पैसा तो हमेशा चौधरी दिलदार ने हाथ की मैल समझा है। पलायर पलायर तुम ये रिंग नहीं उतारोगी। रिंग बेशक ना उतारे लेकिन चाय उतार ले पहले, उबल रही है। दादी आज पता है बिल्लू श्वेप से क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? कह रहा था कि मैं ना अब परी को सीरियस लेने लगा हूँ। इमेजिन करो कि तुम्हें सीरियसली ले रहा है वो खुद कितना नॉन सीरियस होगा। दादी मैं हूँ वो है बातें हैं बस दर में हर दिन शाम एक तू ही है हम आप यहाँ क्यों खड़े हैं दादा? यार बिल्लू खन्ना दे खड़ौने नहीं आए। फोन करके पता कर लें कहीं उनकी गाड़ी भी ना खराब हो गई हो हमारी तरह। ना यार अल्लाह करे मेरी गाड़ी की उम्र भी उनकी गाड़ी को लग जाए। आई हैव एन आइडिया दादा। व्हाट? मौलवी तो आया हुआ है ना, एक ही फीस में दो निकाह पड़का देते। दूजा तेरे प्यो दा? प्यो दा नहीं, मेरे प्यो दे प्यो दा। मस्तियां करते हैं दादे के साथ। I am most welcome to see play. Yo, this is not enough flow. मस्तियां तो अब्बू जी कर रहे हैं। यानी घर का विलन लंका डाय। मैं हूँ वो है बातें हैं बस दर में हर दिन शाम एक तू ही है हम नवा पलकें उसकी उठती है तो दुनिया मेरी रुक जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे यहाँ सब। देर आए दुरुस्त आए। आप तो शीट लाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगा है। और आप जिस तरह दिल लगा के अब्बा जी का इलाज करती हैं, बड़ी तारीफ करते हैं, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत ही शुक्रिया। आप चाचे सौरे का पाठ ना करो बुजुर्गो, आप स्टेज पे तशरीफ ले जाएं, नकाह खान भी तशरीफ लाने वाले। जी बड़ा वार्म वेलकम कर लिया आपने। अबू जी मैं जा रहा हूँ आगे लग रहे। यकीन ही नहीं आ रहा कि आप आ गई। ऑकवर्ड नहीं लग रहा यहाँ? चलो वहां चलते हैं सब लोगों के बीच में। किसी ने कौन सा मेरी अम्मी को शिकायत लगा देनी। चलो वैसे अच्छे लग रहे हो बहुत। ओ, ध्यान से मेडिकल बॉक्स नहीं लाई हूँ मैं। आप भी जरा हाथ धोला रखें, इस उम्र में ऐसी बातें सीधा गोड़े पे लगती हैं। मेरा मतलब है दिल पे लगती है। समझ गई थी दिल की डॉक्टर हूँ। चलो उसकी
उठती है तू, दुनिया मेरी रुक जाती है। देखे मुझको पल भर जो तू, सांसें मेरी थम जाती है। मैं दीवाना इजाजत है चौधरी साहब जी। बिस्मिल्लाह शुरू करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आनिसा परीसा अहमद बिनते अली अहमद, आपको चौधरी बिलाल शाकिर वल्द चौधरी शाकिर अली बइवज हक महर 10 लाख रुपए गैर मुअज्जल अपने निकाह में कबूल है। क्यों करूंगा मैं ऐसा, तुम मेरी फूफो की बेटी हो। फर्ज करो, अगर होती तो। मैं ये फर्ज भी नहीं करना चाहता, पर अगर ऐसा होता ना तो मैंने तुम्हें उठा के नीचे फेंक देना। बेटा मौलवी साहब तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। जरा ऊंचा पूछे। आनिसा परीसा अहमद बिनत अली अहमद, आपको चौधरी बिलाल शाकिर व चौधरी शाकिर अली के साथ बइवज हक महर 10 लाख रुपए गैर मुअज्जल अपने निकाह में कबूल है। ये इसकी कोई पुप्पो की बेटी है जिसका वॉलपेपर लगा रखा है? पुप्पो की बेटी होती तो नजर उठा के देखता भी नहीं, एक सेकंड में डिलीट कर देता फोटो। मुझे लग रहा है तारीख फिर से अपने आप को दोहरा रही है। अल्लाह ना करे। आनिसा परीसा अहमद बिनत अली अहमद, आपको चौधरी बिलाल शाकिर व चौधरी शाकिर अली बइवज हक महर 10 लाख रुपए गैर मुअज्जल अपने निकाह में कबूल है। बताओ ना। कबूल।
भाईजान जितना नाचना है ना नाच लें, इसके बाद जो अब्बा जी ने नागन नाच करवाना है ना वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। उस बात है ना कर, बस एंजॉय कर। अच्छा ले फिर। वैसे एक सेकंड के लिए ना तुमने मेरी जान निकाल ली थी। हाँ क्यों नहीं कर रही थी? शुक्र करो हाँ कर दी। मैंने जितना तुम तंग करते हो ना, एक मिनट तो दिल में आया कि इनकार कर दोगे। अच्छा आई एम सॉरी ना, जानबूझ के थोड़ी ना करता था मैं। जानबूझ के करोगे ना तो जान भी निकाल दूंगी। हाय जब जान निकालने की बात करती हो ना तो जान निकाल लेती हो बिल्लू चौधरी की। ऐसा लगता है कि कोई बला पल्ले पड़ गई। मैं बला हूं? हाँ खूबसूरत सी बला। एक बात बताओगी सच सच, मिसेस बिल्लू चौधरी बनके कैसा महसूस कर रही? क्यूट लग रहा ना सर? अच्छा क्यूट तो है। अरे अब तो हाँ कर दो, क्यूट तो है। देखो क्यूट तो है क्या? डॉक्टर सावर, अब्बा जी को ज्यादा ही प्रोटोकॉल नहीं दे रहे डॉक्टर सलमा को और चाचा रमजान मलका दादी को? देखें इनको तो आदत हो गई है सुबह शाम से लेजल होने की। अब्बा जी सही कहते हैं, बिस्ती की एडिक्शन हो गई है। सही बात है, बिरयानी मजे की है। शाकर जी आपने हरकतें चेक की हैं ताशी के ससुराल वालों की? ओ जाने शाकर, तू बिरयानी खा जरा टेस्ट चेक कर। तो खुदा का खौफ करे, बजाय मेहमानों को पूछने के अपनी पेट पूजा की पड़ी हुई है। तो अब क्या करें, पेट उठा के साइड पे रख दे, सुबह से अब्बा जी ने टांगा हुआ काम पे। ओ देखें मेरी वाली बला भी आ रही है, कोई ना कोई काम लेके आ रही होगी। आइए सरकार। बात सुने मेरी, ये मलका दादी ने ना जिंदगी अजाब करके रखी, मेरे घर भेजने का इंतजाम करे। हाँ वैसे उनकी ना घर जाने की नहीं अल्लाह मियां के पास जाने की उम्र है। ना बहुत हसीनी निकल रही है आपकी वकीलों में से। हासे कंट्रोल कर, तू बिल्लू से जाके कह कि वो अपनी दादी सास को घर छोड़ के। अब ये आप क्यों परेशान है इतनी? साबर मुझे ना खतरे की घंटियां सुनाई दे रही हैं चाची के ससुराल वालों की तरफ से। और जहाँ इतने रिश्ते टूटे एक रिश्ता और भी टूट जाए तो मुँह चंगा ना हो तो बात चंगी कर लिया करें, खुदा का खौफ करें। मैंने इसको क्या कहा था? मैंने कहा था अगर एक महीने के अंदर अंदर मैं तेरी शादी ना कराई तो अल्लाह मियां मुझे उठा ले। ओ नहीं मरती, तू इतने खुश नसीब नहीं है। शब्बा बोतल पिए बहुत। चल जाके उसको उठाए, बैठ बीवी के साथ जाके। चलो जल्दी आ।
darling, hurt so bad. आप लोगों की जेनरेशन ने तो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी नहीं ली। वीर ये होती घर में होनी चाहिए थी। आप लोगों के घर में इतने बुजुर्ग हैं। कह तो आप सही रही हैं। वैसे खाला जी मेरी ना किचन में बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है। आप अभी चल के देखे, किचन साफ सुथरा है बिल्कुल। आपके मरीज को बचा दिया हड्डियों पसलियों समेत। आप कब आएंगे? चलो ठीक है, ओके। तुम कहाँ जा रही हो? वो दादी की सैंडल रह गई गाड़ी में। एक चीज मैंने भी ले रखी है तुम्हारे लिए। क्या? गिफ्ट तुम्हारे और मेरे निकाह का, लेकिन अभी नहीं दूंगा, आराम से सुकून से तसल्ली से दूंगा। मतलब? मतलब ये कि जाओ जाके जूती लेके आओ दादी। और सुनो, चेंज मत करना, अच्छी लग रही हो। दरवाजा दिल का हो या गाड़ी का, प्यार से खुलता है। ओहो, ज्यादा तो नहीं लगी? मैंने कहा था ना तुमसे कि प्यार से। बचा लिया ना, मैंने कहा था ना तुम्हें कि कभी नहीं छोड़ूंगा। दे शानदार राजा मेरे। मामा जी ये आपका कुर्ता। मेहरबानी जी, इस्त्री कर दी है? हाँ जी कर दिया। चलो पोते तेरी भी मेहरबानी, और इस तरीका सोचे तो मेरी दूसरी नूह नहीं लगाया होगा। मामा जी आजकल तो सच भी नहीं लगा रही है वो। बेचारी काम वेह वेह के थक गई है। खैर है, किस लिए बरसाती डड्डू जैसा मुंह बना के खड़े हो? अब इंसान मुश्किल वक्त में अपने बेस्ट बड़ी के पास ही तो आता है। तो सदके जाऊं, किसने कहा था नकाह होते ही तोहफे का ऐलान कर दो? तो बात शुरू करने के लिए कोई ना कोई बहाना तो तलाश करना था ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्लू चौधरी सुबह जाके ज्वेलर से खरीद लेगा। तो फिर मेरे सराहने क्यों खड़े हो मौत का फरिश्ता बन के? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कोई गुंजाइश निकाले ना, हटाए ना धूल पुराने संदूकों से। यानी शब खून मारना चाहते अपनी दादी मरहूमा के जेवर पे? ठीक है, आप रहने दे, बिल्लू चौधरी अपने जज्बात का खून कर लेगा। काम नहीं आना ये खजाना कहीं भी, संभाल के रख लें आप। अम्मी और चची की ना जंगे होनी है खजाने पे, याद रखिएगा मेरी बात। अखल हो जाए मेरे ड्रामे बाज शागिर्द, तुझे ना करके मुझे नींद आ जाएगी। नहीं, मैंने तो लोगों के सामने जाके दुबाले डालने के, मुबारक हो मेरा दादा बेवफा हो गया। कैसी बातें करते हैं दादा आप भी। चिराग लेके भी ढूंढेंगे ना, बिल्लू चौधरी जैसा पोता नहीं मिलना आपको पूरे शहर में। यो ते पोत इस तरह का भी दादा नहीं मिलना, बेशक HD लाइट लगा के ढूंढो। यो च
सदके जावा अपने पोते दे उन्हें आना हो अब तो दर्द ठीक है ना थैंक गॉड जब से पेन किलर लगा है ठीक है हमारी हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई अभी तो सिर्फ मसल इंजर हुआ है बात सुनो डाउडा के कपड़े चेंज करो और हमारी साड़ी भी निकाल लो अच्छा वो कर लेती हूँ आप दवा तो खा ले पहले कौन सी दवा अभी तो टीका लगवाया तुम्हारे सामने पता नहीं इतनी एब्सेंट माइंडेड क्यों हो रही हो तुम अच्छा ये बताएं परी कैसी लग रही है Absolutely gorgeous, just like your grandmother. Thank you. इसी खुशी में ना दूध गर्म करके लाती हूँ आपके लिए Don't be foolish. अब हम पान के साथ क्या दूध पिएंगे बात सुनो हम ये कह रहे थे कि आप अपने निकाह के बाद ज्यादा इतराती मत फिरना है अपनी फ्लाइट को जरा लो रखना तो अब क्या कमरे में बंद हो जाऊं हमने कब कहा इस मामले में तुम्हारी मिस दिलशाद ने कुछ इरशाद नहीं किया कि भाई निकाह के बाद लड़कियों को जरा रिजर्व रहना चाहिए अपने ससुराल के साथ नहीं इस सिलसिले में मिस दिलशाद से कोई बात नहीं हुई खैर ये तो सर में बहुत दर्द हो रहा है मैं तो अपने लिए ना चाय बनाने जा रही हूँ बिल्कुल नहीं आराम से बैठ जाओ अभी हम उनको मैसेज करते हैं शब्बू को वो ले आएंगी चाय तुम्हारे लिए चलो जाओ शाबाश जाके चेंज करो हमारी भी साड़ी निकाल दो हाँ मुझे नहीं चेंज करना अभी सेल्फियां लेनी है आपकी निकाल देती हूँ साड़ी हेलो रूम सर्विस ये कड़े नहीं मेरे दोस्त सोने के कड़े दरअसल औरत की हथकड़ी होती जाओ उसे पहना के अपनी मोहब्बत में कैद कर लो बिल्लड़ियां अब देंगे तो कैद करूंगा ना दे दे पालक हो चला मामा जी नीचे लाउंज में आके जरा गेस्ट पेरेंट्स तो दें क्यों वहां पे कौन सा फिल्म फेस्टिवल चल रहा है ओए होए इतना बड़ा शो लगा वे आए तो जरा वैसे एक बात है चची चची है चलती फिरती फिल्म पर तेरी दादी सास से ना थोड़ी कम दादी इसकी तो पूरी इंडियन फिल्म है वो भी एटम सॉन्ग वाली आए ना मामा जी चले ना चल बिल्लिया सवारी लंबे ना लंबे स्पीड 190 थैंक यू माय प्लेजर आई ओ यू ओय ओय हो गई है क्या है जी इस वीडियो में नॉर्मल है ऐसा कोई संगीन जुर्म तो नहीं है इसमें आपको किसने भेजी है ये जो तशफीन की नखतरी सास है ना उसने भेजी है ऊपर से मुझे लिखा है व्हाट्सएप पे व्हाट इज दिस तो आपने बताना था ना उनको दिस इज भंगड़ा ओए चुप कर जा लंगड़ा कर दूंगा तुझे दादा ब्रो दिस इज नॉट फेयर डॉक्टर सर मैं आपसे कह रही थी ना खानदान का सबसे क्यूट बच्चा ये लेकिन घर में कोई इज्जत ही नहीं है ओए ओ पुत्र बड़ों की बातों में नहीं बोलते बैठ जाओ उधर ये नवा केस खोलन लगा जी वैसे कोई अखीरी चवल मारी है जी ये ताशी के ससुराल वालों ने ये खाचे मार के ना वीडियो वाली उसके बाद किसी को मिलके भी नहीं गए बेशरम जैसे पुराने वक्तों के लोग लगते हैं ये बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे थे खुशी का मौका था इसमें नाराज होने वाली क्या बात है अब मैं तो कहता हूं कि अभी भी वक्त है सोच लें आप लोग हाँ मैं भी कहता हूं वैसे एक दफा सोच ही लें फनकार तू किधर जा रहा है बैटरी लो हो गई है चार्ज ना करूं वैसे मेरी बात माने ना तो उनसे साफ साफ बात करें हम छोटी आप ही ना बिल्कुल ठीक कह रही हैं कौन कौन लेगा ये की ना मेरी लाडो रानी ने बात जब बना के ला सब के लिए जी बड़े बा
और पास सफेद पोश, तेरी भी बैटरी को डाउन ही लग रही है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुंशी की कॉल आ रही है, मैं जरा बात कर गया। उसे कहना कि सुबह टाइम से लोडिंग करवाए वो 97-92 की। ठीक है। हेलो यार, बात तो वैसे मुझे भी अजीब सी लग रही है। वो मेरी बेटी का नाम है, मैं खामखाई डाल दिया। खैर नाम तो ठीक डालें। ताऊ जी उनसे ना सीधी सीधी बात करें सुबह, आखिर चाहते क्या? हाँ अच्छी परी, हम कह रहे थे कि अपनी छोटी सी प्यारी सी दादी का शरीर सहला दो। क्यों, मैं इंतजार कर रहा हूं, कब निकलोगी अपनी जादूगरनी दादी के पिंजरे से? बार बार मैसेज क्यों कर रहे थे? अच्छा इतना मसला है तो ना आती। ठीक है चली जाती हूँ। यो बिल्लू चौधरी के पास कोई आता तो अपनी मर्जी से, पर जाता उसकी मर्जी से। गिफ्ट निकालो। अच्छा तो गिफ्ट के लालच में आई हो? और नहीं तो क्या, दादी के अलावा किसी ने कभी गिफ्ट नहीं दिया मुझे। ओके तो फिर आज के बाद रोज तुम्हें गिफ्ट दूंगा जब तक रुखसती नहीं हो जाती, वादा। तब बातें मत बनाओ, गिफ्ट निकालो जल्दी से, कहीं दादी ना आ जाए। यार ये तुम्हारी दादी है कि मलकुल मौत, किसी भी जगह किसी भी वक्त आ जाती। दादी के बारे में कुछ मत कहना। क्यों, वो पड़ोसी मुल्क की प्रधानमंत्री है क्या? मेरे लिए तो है, नहीं चाहिए तुम्हारा गिफ्ट। सुनो पीस आउट, आई वाज जस्ट जोकिंग अराउंड, गिफ्ट तो ले लो अपना। दादी के बारे में कोई मजाक नहीं, मैं भी तुम्हारा शौहर हूँ, आज निकाह हुआ है मेरा और तुम्हारा। हुआ होगा, परी के लिए दादी से बढ़कर कोई भी नहीं है। सोच लो। सोच लिया, अब जान छोड़ो। यो दिस इज नॉट इनफ फ्लो, समझती क्या है खुद को? देख लो कैसे रंगे हाथों पकड़ा है तुम्हारी सास ने तुम्हें। तुम्हें खुशी हो रही है? मैं तो दुआ कर रही हूँ अल्लाह करे सुबह अंगूठी ना तुम्हारे मुंह पे दे मारे। इस मुंह को फिटे मुंह कहना कोई आसान काम नहीं है। हाँ अरे यार टॉम क्रूज। हाँ हूँ, अगर नहीं होता तो तुम ये अंगूठी पहने क्यों घूम रही होती? ऐसी बात है ना, ये लो पकड़ो अपनी अंगूठी, ये लो। ये तुम बात बात में अंगूठी क्यों उतार देती हो? तो तुम ना पहनाया करो। तुम्हारे लिए तो तुम्हें दूंगा ना। किचन में तो बड़े हीरो बने हुए हो, पूरे खानदान वालों के सामने जाके बोलो ना कि ताशी पारो के बिना नहीं रह सकता। बोलो तो ठहरो डंबू, मदान छोड़ के कहां भाग रहा है? नहीं 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 मैं भाग तो नहीं रहा, मैं तो आराम आराम से चल रहा हूँ। ये आराम आराम से
कौन सी दाल को तड़का लग रहा था यहाँ? दाल तड़का नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर वफा की कौन सी शब्द देख पक रही थी यहाँ? हाँ वो हम तो मजाक कर रहे थे, है ना? हाँ मजाक कर रहे थे हम। दोनों मेरी तरफ गौर से देखो, क्या मैं बलूंगड़ा लगता हूँ, लॉलीपॉप चूस रहा हूँ, या मैं पानी को मम कहता हूँ, क्या लग रहा हूँ मैं? नहीं नहीं, आप तो माशाल्लाह 65 साल के समझदार इंसान है। 65 का नहीं हूँ मैं, 66 का हूँ। हाँ चल भाई, अंगूठी उतार के मेरे हवाले कर। अबू आप संगूठी का क्या करेंगे? लाओ। अबू नाना चा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चाय ठंडी हो रही है। ठंड प्रोग्राम तो अब यहाँ शुरू होगा। चल भाई सामान पैक कर, हम गुजरांवाला जा रहे हैं। गुजरांवाला क्यों जा रहे हैं? वो शिकुस्ता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है इसलिए। लेकिन वो मेरी यूनिवर्सिटी का क्या होगा? जाके 8-10 दिन की छुट्टी लेने को क्यामत नहीं आ जाएगी। जब तक हमारा मकान कंप्लीट नहीं ना होता, हम गुजरांवाला में रहेंगे। अब यहाँ हम ज्यादा देर रह नहीं सकते। इन्हें क्या हुआ है? अब्बू को ना आपके साथ बेवफाई करने का नतीजा निकला है ये सारा। सजा मिली है बिल्लू चौधरी को, बिल्लू चौधरी ने आपके पोस्टर कमरे से उतारे, उसके बदले में मेरे साथ क्या हुआ? दुनिया की सबसे अकड़ू खड़ूस दादी की सरपरी पोती के साथ मेरा निकाह करा दिया, पर उसने एक मिनट नहीं लगाया और औकात दिखा दी मुझे मेरी। ये घर के मर्दों ने चूड़ियां कब से पहनना शुरू